अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। सारस्वत बैंक के लुटेरे गिरफ्तार, कोपरखंड पुलिस ने जब्त की नकली बंदूक और 68,000 की नकदी, दिन दहाड़े लूट ली थी 4,00,000 की रकम। पुलिस के शिकंजे में मुंह छिपाते दिख रहे दोनों नकाबपोश आरोपी सारस्वत बैंक के लुटेरे हैं, जिन्होंने नकली बंदूक की धाक पर 16 जुलाई को कोपर खरने के सारस्वत बैंक से 4,16,000 की रकम लूटकर रफू चक्कर हो गए थे। कोपर खरने पुलिस की 5 टीमों ने 36 घंटे के भीतर दोनों लुटेरों को चेंबूर से धर दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम स्वप्निल सांगपाल एवं भूषण चौधरी बताए जा रहे हैं। डीसीपी पंकज दहाने ने बताया कि दोनों ही आरोपी बेरोजगार हैं और लंबे लॉकडाउन के कारण पैसों की तंगी से बेहाल होकर इन्होंने बैंक लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई नकली बंदूक, 68,000 की नकदी, चाकू तथा कपड़े बरामद कर लिए हैं और आगे की जांच में जुट गई है। दोपहर को 2:30 बजे के करीब दो आरोपियों ने सारस्वत बैंक सेक्टर 19 कोपर खैरने यहाँ से लगभग 4,15,000 की जो कीमती की जो नोटा है वो वहाँ से रॉबरी करके लेके गए थे। इसमें उन्होंने लगभग एक सुरा और वेपन यूज़ किया था या फायर आर्म यूज़ किया था। इस ऑफेंस में जो सीनियर पीआई है हमारे कोपर खैरने क्राइम पे कोपर खैरने एसीपी वाशी और उनकी डीबी की टीम ने इसमें जो दो आरोपी सम्मिलित थे इन दोनों को अरेस्ट किया है। ये दोनों आरोपी चेंबूर के रहने वाले हैं। अभी फिलहाल तो उनको अभी अरेस्ट किया गया है। अभी कुछ इसमें से जो दूसरा आरोपी है इसने लगभग 4 महीने पहले यहाँ पे एक शूज़ की दुकान खोलने के लिए दुकान भाड़े से लिया था, लेकिन तभी से लॉकडाउन शुरू हुआ, फिर ये दुकान वो खोल नहीं पाया, उसी संदर्भ में वो ये परिसर में आता था। नहीं, अभी तक तो इनके खिलाफ कोई भी ऑफेंस दाखिल है ऐसा सामने नहीं आया है। सेक्शन 394-34 और आर्म्स एक्ट लगाया है अभी फिलहाल। बताना जरूरी है कि 4 महीने से चल रहे लंबे लॉकडाउन के कारण जिस तरह का आर्थिक संकट सबके सामने आ गया है, यह घटना उसी के परिणाम का संकेत देती है। जानकार बताते हैं कि लॉकडाउन बढ़ा तो ऐसी घटनाएं और भी बढ़ सकती हैं, जिससे सबक लेने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।